दोस्तों आज के डेट में एक रोज़ टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, और ऐसे कंडीशन में आप भी चाहते हो कि अपने फ़ोन से एक रोस्ट वीडियो, प्रोफेशनल रोस्ट वीडियो कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ये बताया हूँ कि रोस्ट वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है कहाँ से लेना चाहिए, वो वीडियो को आप जाके विजिट कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में आपको हम एक प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आप फ़ोन से एक रोस्ट वीडियो को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं यह कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप फोन से रोस्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक फोन होना चाहिए जिसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी से कैमरा आए, मतलब वीडियो शूट हो, बस इतना ही चाहिए आपको एक फ़ोन में। अगर आपका पास मोबाइल नहीं है और आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपके पास कैमरा है तो बहुत बेटर है कि आप एक अच्छे क्वालिटी में बना सकते। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप फ़ोन से नहीं बना सकते हो, जी नहीं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए और यहीं से आप अपना करियर को बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी आज के डेट में आप बड़े बड़े क्रिएटर को देखते हैं, बड़े बड़े रोस्टर को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जो अपना स्टार्ट किए थे, वो अपना जर्नी स्टार्ट किए थे एक फ़ोन से, और एक एंड्रॉयड फ़ोन से ये स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि मोबाइल से कैसे वीडियो को शूट किया जाता है, और यहाँ तक कि इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोबाइल से वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एक रोस्ट वीडियो बनाना होता है तो सबसे पहले आपको कैमरा के सामने पूरे हेडिटेशन के साथ आपको बोलना चाहिए, पूरे मतलब क्लियर में बोलना चाहिए, जिससे कि बगल वाले को लगे कि यार हाँ बंदे में कुछ जान है, ठीक है। यानी किसी भी टॉपिक पे अगर आप बोलना चाहते हो तो उस टॉपिक को पहले आप लिख लो, और अपने माध्यम से जो भी आपको आता है वो चीज़ को अपने शब्द में आप व्यक्त कीजिए, और कोई भी वीडियो हो जिस पे आप रोस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को अपने माध्यम से लोगों के सामने एक अलग प्रकार से यूनिक तरीका से यहाँ पे पेश कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके जैसे हम स्टार्टिंग में ही रोस्ट वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपके साथ और आपके पास सारा चीज़ और वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है कि एक बड़े क्रिएटर के साथ शुरुआत में ही आप एक प्रोफेशनल रोस्ट वीडियो बना सकते हैं। इसलिए से आपको जितना आता है उसमें आप कंफर्टेबल रहिए, और जो आपको याद है, जितना आपको माइंड में आपका टॉपिक आ रहा है उससे ही स्टार्टिंग कीजिए, ताकि आपको लत लग जाएगा। धीरे धीरे बड़े बड़े क्रिएटर को आप फॉलो कीजिए, धीरे धीरे उस लाइन पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक प्रोफेशनल अपने मोबाइल से आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है कि रोस्ट वीडियो के लिए क्या सब क्या चीज़ चाहिए, पूरे चीज़ मैंने बता रखा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके और वहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि रोस्ट वीडियो के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो कहाँ से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मोबाइल से आके रोस्ट वीडियो को कैसे शूट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रोस्ट वीडियो मोबाइल से शूट करना चाहते हैं तो बस आपको एक फ़ोन, जैसे कि अभी जिस फ़ोन में हमारा वीडियो शूट हो रहा है, एक फ़ोन हमारा ये हो गया और दूसरा फ़ोन ये हो गया। देखिए, स्टार्टिंग में आपको उतना कंफर्टेबल के साथ नहीं बोल पाते हैं, तो मैं एक छोटा सा हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जब भी किसी टॉपिक पर आपको बोलना हो तो छोटा सा टॉपिक आप लिख लीजिए और अपने अंदाज में हमारा के सामने में आप बोल लीजिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे एक मोबाइल में एक टॉपिक लिख लीजिए, और यहाँ पे एक क्या कहते हैं वो टैब होता है ना लिखने वाला, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सारी चीज़ को आप लिख लीजिए। आप एक बार चाहे, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो एक बार आप क्या करो, इसमें देख लो और दूसरी बार कैमरा के सामने में ऐसे देख कर आप एक अच्छे तरीका से रोस्ट बोल सकते हो। स्टार्टिंग में अगर इतना भी आप कर ले तो ना, तो डेफिनेटली है कि आप अपना क्या कहते हैं धीरे धीरे अपने अंदर में चेंजिंग कर पाओगे और बोलना और एक्सपीरियंस आपको आ जाएंगे, तो आगे से आप इस प्रकार से देख के और ऐसे ऐसे करके नहीं बोल सकते, पूरे डिक्लियर में आप बोल सकते, ठीक है। तो पहला स्टेप को ये फॉलो करना है कि अगर आपको कैमरा के सामने में अगर आप सही से बोल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है बार बार टॉपिक में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप जब भी रोस्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहले जिस भी वीडियो पे या जिस भी टॉपिक पे आप कुछ बोलना चाहते हो तो माइंड में सोचकर आप पहले वो चीज़ को लिख लीजिए, छोटा सा स्क्रिप्ट बना लीजिए, ताकि आप जब भी कहीं पे बोलना कि आप जब भी बोलना स्टार्ट करेंगे तो अगर आपका माइंड से कहीं वो चीज़ निकल जाए तो आप देख के फिर से वही टॉपिक पे आ सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप बात करें कि वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है, तो दोस्तों आज के डेट में मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन से अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप कैन मास्टर को यूज़ कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, बट स्टार्टिंग में कैन मास्टर से भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर भी फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता है कि कैन मास्टर को कैसे
यूज किया जाता है, कैसे इसको इसमें वीडियो को एडिट किया जाता है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो कि कैन मास्टर से वीडियो को किस प्रकार से एडिट किया जाता है और बाकी और भी चीज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सारे वीडियो को लिंक डाल दूंगा और वहां से आप जाके देख सकते हो कि मोबाइल से अगर फ़ोन से वीडियो शूट करना है या एडिटिंग करना है, रोस्ट वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाना है, यहाँ तक कि वीडियो के बैकग्राउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, जो भी चीज़ यूज किया जाता है वो सारा चीज़ पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और उस वीडियो को देख के आप मोबाइल से ही अच्छे तरीका से प्रोफेशनल रोस्ट वीडियो बना सकते हैं। वीडियो में मैं आप छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया हूँ, मैं ये आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया यहाँ पे इसलिए से क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, शायद उसमें मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ और आपको उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है।